हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाइयों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि पेपाल पाकिस्तान में बहुत अरसे से बैन हुआ हुआ है, लेकिन कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं जिसे हम यूज़ करके पेपाल का अकाउंट बना तो लेते हैं पाकिस्तानी नंबर पर, लेकिन वो सेव नहीं होता। क्योंकि आगे जाकर जब हमें बहुत बड़ी अमाउंट में पेमेंट आती है तो एक कोड आता है हमारे पास पेपाल वालों के ज़रिए हमारे फ़ोन नंबर पर, और जो फ़ोन नंबर होता है वो पाकिस्तानी दिया हुआ होता है हमने, तो वो कोड हमारे पास आ नहीं पाता क्योंकि वो पाकिस्तान का नंबर है और पेपाल पाकिस्तान में अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है। लेकिन हम पेपाल वालों को कांटेक्ट वगैरह करके इस मसले का हल निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वही उसमें बहुत मसले वगैरह होते हैं। लेकिन आज आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आज आपका भाई आपको दो लीगल तरीके बताएगा, बिल्कुल सेफ मेथड, जिससे आपका अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा। अब वो बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम जो नंबर यूज़ करेंगे वो पाकिस्तान का नहीं होगा, हम जो नंबर यूज़ करेंगे वो यूनाइटेड स्टेट का नंबर होगा। लेकिन आप फिक्र न करें, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप फ्री यूनाइटेड स्टेट का नंबर परमानेंट जो हमेशा के लिए आपके पास होगा और आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वो नंबर आपका होगा और आपको फ्री में मिल जाएगा इजीली। तो देखो यार, सबसे पहला जो सेफ और लीगल तरीका है वो ये है कि आपका कोई भी रिश्तेदार किसी भी बाहर के ममालिक में रहता है जहाँ पर पेपाल ऑफिशियली अनाउंस हो, तो उसको आप बोलें कि पेपाल का अकाउंट बना दे आपके लिए और आईडी और पासवर्ड आपको दे दे, और आप उसे इजीली यूज़ करें आराम से। पहला मेथड तो ये है जो बिल्कुल लीगल है। अब दूसरा सेफ तरीका जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, उसमें सबसे पहले आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना लाजमी है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने यहाँ पे जीमेल का अकाउंट खोल लें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक जीमेल अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। मैं अपने जीमेल का अकाउंट खोल लेता हूँ। तो भाई ये मेरा जीमेल का अकाउंट खुल गया है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है टेक्स नाउ। टेक्स नाउ पे ये फर्स्ट वाली लिंक पे आप क्लिक कर दें। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और ये जो साइन अप फ्री लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि कंटिन्यू फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हैं या गूगल से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं इसे सिंपली गूगल से कनेक्ट कर दूंगा, जो मेरा अकाउंट लॉगिन है इस वाले अकाउंट से कनेक्ट कर देता हूँ। लो भाई, अब हमारा नंबर आ गया यूनाइटेड स्टेट्स का, बाहर का हमें नंबर मिल गया है। तो अब ये जो आपका नंबर है परमानेंट होगा जब तक आपका जीमेल का जो अकाउंट है वो इससे लिंक्ड है। ये आपका परमानेंट नंबर आ गया आपके पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें पेपल का अकाउंट बनाना है इस नंबर के ऊपर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पेपल खोल लेंगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये जो पीके लिखा हुआ है पाकिस्तान, यहाँ पे आप इसे चेंज करके यहाँ पे लिख दें यूएस और इंटर कर दें। ये यूएस का खुल गया। अब यहाँ पे क्लिक कर दें साइन अप फॉर फ्री। अब यहाँ हमसे वो पूछ रहा है कि हमें कौन सा अकाउंट बनाना है। अब बिजनेस अकाउंट का ये सीन होता है कि इसमें हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, अपने बिजनेस को वेरीफाई करवाना पड़ता है असल में। और अगर आप पर्सनल पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक लिमिट होगी अराउंड $1000। बहरहाल पर्सनल बहुत अच्छा है, सुकून है इसमें, तो आप इस पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब ये हमसे नंबर पूछ रहा है, तो जो हमने अकाउंट नंबर लिया था वो हम डाल देते हैं यहाँ पे। ओहो, नेक्स्ट कर देंगे। अब इसने एक कोड भेजा होगा हमारे फ़ोन नंबर पर, तो चेक कर लेते हैं कोड आया है या नहीं हमारे जो हमने नंबर क्रिएट किया था यूएस का। तो गाइस देखिए, ये कोड आ गया है हमारे पास, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। हम पेस्ट कर दिया। लो भाई, तो अब ईमेल
ईमेल हमारी, ये ईमेल क्या थी, मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ कह रहा है लीगल फर्स्ट नेम, इंटर द नेम डेट्स ऑन योर ऑफिशियल आईडी। अब यहाँ पे कोई भी आपका गवर्नमेंट का, जैसे कि NIC वेफा वगैरह पे जो भी आपका नाम होगा वो आपने डालना है। वैसे कोई ज़्यादा मसला नहीं है इसमें, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ डाल देता हूँ असान। मैं डाल देता हूँ अली। अब पासवर्ड, अब पासवर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पासवर्ड यहाँ पे हमें सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे होता है ये मैं आपको बताऊँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है हैश। हैश आता है, हैश के अंदर कैपिटल अपर केस में लेटर आते हैं इस तरीके से, और फिर आते हैं हमारे पास लोअर केस लेटर, और फिर हमारे पास आता है नंबर। इस तरीके का पासवर्ड होता है ये, हमारे पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। इस तरीके के पासवर्ड आप बना के रख दें। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। कंफर्म पासवर्ड में अगेन पासवर्ड डाल देता हूँ। और नेक्स्ट कर दिया। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है एड्रेस। अब एड्रेस हमें पाकिस्तान का तो डालना नहीं है, हमने नंबर भी बाहर का बनाया, तो हमें इसके लिए एड्रेस भी बाहर का, यूनाइटेड स्टेट का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप गूगल खोल लें। यहाँ पे गूगल पे आप सर्च करें हाउस फॉर रेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप नीचे आ जाएं, एग्जाम्पल जो है इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप सर्च करें यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, नीचे ये आ रहा है न्यूयॉर्क अपार्टमेंट, न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक घर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। ये सही है, इसका मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। और इसमें आप पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ भी सेम ही कर देता हूँ, सिटी ब्रुकलिन स्टेट न्यूयॉर्क। और ये आ गया हमारे पास, एग्रीमेंट पे टिक कर दिया और एग्रीमेंट कंटिन्यू कर दिया। हाँ तो भाई, अब ये हमसे पूछ रहा है कि बाय विथ कॉन्फिडेंस और सेंड मनी। अब सेंड मनी में क्या है कि हम किसी को पैसे भेज भी सकते हैं और किसी से ले भी सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर दें। अब ये हमसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल पूछ रहा है, तो अभी इस स्टेप को क्लोज कर दें आप, और फिर से पेपाल को खोल लें। तो देखिए भाई, ये हमारा पेपाल का अकाउंट बन चुका है। एक्टिविटी चेक कर लें इसकी, नो ट्रांजेक्शन सही है। वॉलेट में हमारे पास कुछ पैसे तो होंगे नहीं फिलहाल। अच्छा, हमने कार्ड को लिंक नहीं करा, सही है। ओके, तो ये हमारा अभी पेपाल का अकाउंट फाइनली बन चुका है। अब इसे हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो हम जीमेल पे चले जाते हैं अपनी। तो यहाँ पे इनकी ईमेल यहाँ आई भी इनकी पेपाल वालों की, तो कंफर्मेशन ईमेल जो आई है खोल लें आप। पासवर्ड मांग रहे हैं मुझसे फिर से, एंटर कर देता हूँ।
अभी मुझसे क्रेडिट कार्ड का पूछ रहा है, पर मुझे अभी ऐड नहीं करना, तो नोट ना कर दो आप तो तुम अकाउंट। तो भाइयों, पेपाल का अकाउंट हमारा रेडी है और हमने इसे वेरीफाई भी कर लिया है, तो अब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।